तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तेलंगाना में सचिवालय निर्माण कार्य के दौरान मंदिर मस्जिद को पहुंचा नुकसान, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सचिवालय में इन दिनों पुराने भवन को तोड़ने का काम चल रहा है। इस दौरान मलबा गिरने से वहां स्थित मंदिर और मस्जिद को नुकसान पहुंचा है और दोनों ही चीजें टूट गई हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीएम चंद्रशेखर राव ने अपना बयान जारी किया है, साथ ही घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता से माफी मांगी है। वहीं उन्होंने कहा कि अब सरकार का इरादा ये नहीं था कि मंदिर मस्जिद को तोड़ा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से इन मंदिर मस्जिदों का निर्माण कराया जाएगा, चाहे इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च क्यों न करने पड़े। वहीं इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना भी बयान जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम ने इस घटना को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि नए परिसर में जल्दी नए धार्मिक स्थलों का निर्माण होगा, वो सीएम के इस बयान का स्वागत करते हैं। तो ये काफी बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का भी आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी और योगी सरकार पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बताने की विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर जो है राहुल गांधी ने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि विकास दुबे को इसलिए मारा गया क्योंकि अगर वह मुंह खोलता तो कई लोगों की पोल खुल जाती। जी हां दोस्तों, आपको बताने की सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ के कई मंत्रियों पर है। जी हां दोस्तों, आपको बताने की इसी को लेकर मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, अब इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों के परिवार को ही सही इंसाफ मिल सके। वहीं साथ ही पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिकायत कर सके। तो ये काफी बड़ी मांग मायावती ने की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो देखते हैं कि योगी सरकार इसकी जांच कराती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री की फिसली जुबान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी, शिवराज सिंह और योगी आदित्यनाथ को बताया देश के लिए कलंक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के बीजेपी मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को देश के लिए कलंक बता दिया। दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान पत्रकार ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में सवाल किया, जिस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का क्या करना है। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है और प्रधानमंत्री मोदी, योगी को देश के लिए कलंक बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कानपुर में विकास दुबे कांड की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से प्रियंका गांधी ने जांच कराने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जज द्वारा न्यायिक जांच कराने की कानपुर कांड की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच करके जो हकीकत सामने आएगी उसको जनता के सामने योगी सरकार रखे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत अब देश की जनता के सामने आनी चाहिए। जब तक असलियत सामने नहीं आएगी तब तक अपराधियों और राजनेताओं के बीच साठगांठ सामने नहीं आएगी और असलियत तब तक सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की इस मामले की जांच करें। तो ये काफी बड़ी मांग की है उन्होंने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आज से फिर लॉकडाउन, 3 दिन सब कुछ उत्तर प्रदेश में रहेगा बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अनलॉक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर से 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही
कामकाज की अनुमति दी जाएगी। तो ये काफी बड़ा लॉकडाउन योगी सरकार ने फिर से किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को दी क्लीन चिट, दोनों को छोड़ा। वहीं विकास दुबे का हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने जाने से किया इनकार, पत्नी और बेटा रहे मौजूद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विकास दुबे का शाम 7:30 बजे उसके गांव उसका शव पहुंच गया, जहां विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सिर्फ विकास दुबे का एक ही रिश्तेदार उसका बहनोई मौजूद रहा। वहीं आपको बता दें कि विकास दुबे का पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उसकी पत्नी ने उसके शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं मां सरला ने कहा कि वह अपने बेटे का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। वहीं आपको बता दें कि विकास दुबे का शव उसके बहनोई दिनेश तिवारी ने लिया। वहीं एम्बुलेंस के जरिए विकास का शव उसके गांव लाया गया। वहीं आपको बता दें कि विकास दुबे के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस मीडिया कवरेज को रोक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार के दौरान विकास की पत्नी ने कहा कि जिसने जैसा सलूक किया है उसे वैसा ही सबक सिखाऊंगी, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। तो ये काफी बड़ा उसकी पत्नी ने बयान दिया। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के वैरव घाट पर विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बहनोई और पत्नी और बेटा ही सिर्फ मौजूद रहे, पिता और मां कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। तो काफी बड़ा बयान आया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता सरजिल उस्मानी को भेजा गया जेल। जय दोस्तों आपको बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता को हिंसा समेत 4 मामलों में आज जेल भेज दिया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सरजिल उस्मानी पर आरोप है कि उसने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस तरह से प्रदर्शन कराया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध प्रदर्शन में उसका लंबा हाथ था। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर भी अभद्र टिप्पणी करने का उस पर आरोप है और उसके खिलाफ सांप्रदायिक घृणा फैलाने के भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने दावा ये करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि उस्मानी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की मदद की और वह सरजिल इमाम के संपर्क में था, जिसके बाद उससे 24 घंटे पूछताछ की और फिर जेल भेज दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला, बोले इनका सलाहकार कौन है कोई बता दे तो 1,00,000 रुपया का इनाम दूंगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, चारों तरफ तबाही भ्रष्टाचार था, कौन सच में सरकार चला रहा था इसका मध्य प्रदेश में पता ही नहीं चल रहा था। मध्य प्रदेश को कई साल पीछे कांग्रेस ने 10 महीने सरकार चलाकर पीछे कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोला कि इनका सलाहकार कौन है कोई बता दे तो 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा। तो ये काफी बड़ा हमला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कांग्रेस पर बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चिराग पासवान ने BJP और नीतीश कुमार की बढ़ा दी टेंशन, 94 विधानसभा सीटों पर ठोका बिहार में दावा, कहा लड़ेंगे 94 सीटों पर चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। वहीं LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बिहार में BJP और नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इससे बिहार के मुख्यमंत्री और JDU नेता नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ती दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 94 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में वह 94 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद BJP और नीतीश की गठबंधन वाली सरकार को काफी झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि 149 सीटों पर जल्दी सूची भी स्थापित करने की उन्होंने बात की है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई कि 94 सीटों पर अगर अकेले LJP चुनाव लड़ेगी तो BJP और नीतीश कुमार की पार्टी कितनी पार्टियों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये गाप काफी बड़ा झटका लगा है BJP को बिहार में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे जैसे अपराधी को सरेआम ही मिले सजा, बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि UP पुलिस की ओर से किए गए विकास दुबे के इनकाउंटर को योग गुरु बाबा रामदेव ने जायज ठहराया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि कानून, संविधान और न्यायालय ये सब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि दंड की प्रक्रिया
चाहे जैसी भी हो दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। अगर दुष्टों को दंड नहीं मिलता है तो सज्जनों की रक्षा नहीं होती है, तो फिर अराजकता कायम हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसका एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने भी हमारे 8 जवानों को एनकाउंटर में मारा था, तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है विकास दुबे को लेकर। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर सादा निशाना, कहा केंद्र की मोदी सरकार के कारण ही दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधरी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रकोप पर काबू का पा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह को श्रेय दिया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के समय रहते हस्तक्षेप के कारण ही दिल्ली में स्थिति सुधरी है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उन्होंने ही दिल्ली में कोरोना महामारी रोकी है, केजरीवाल विफल रहे थे। तो ये काफी बड़ा निशाना आज साधा गया है बीजेपी की द्वारा।